दे दिखा। अरे वाह, ये ना पकड़ के ही रहेगा। छोटा सा कितना प्यारा क्रैब है यार। वाह यार, ये पूरा फुल वाइट है। देखिए यहाँ पे क्लाउड्स आ रहे हैं ऊपर से और ये माउंटेन आप देख रहे हो। एक गाइस सुपर डुपर एक्साइटेड इसको बोलते हैं, मतलब कि आज धूप ज़रूर है, लेकिन गाइस मैं जहाँ पे जा रहा ना वो जंगलों के बीच में वाटरफॉल है और वहाँ पे काफ़ी बढ़िया कलेक्शन के फिश है ऐसा मैंने सुना है। तो मैं फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ गाइस। वहाँ पे जाके फिश देखना है, फिश पकड़ना है और देखते हैं कि हमें क्या क्या मिलता है। बड़े वाले लॉबस्टर भी है एंड मैंने सुना है कि क्रैब्स भी है, बहुत अलग अलग तरीके का। तो एक्साइटेड तो बहुत हूँ गाइस, आप मेरे साथ बने रहिए और जाते हैं और दिखाता हूँ आप लोगों को वहाँ का एक नज़ारा। तो चलिए आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों फाइनली आ चुके हैं अपन एक अल्टीमेट जगह पर। देखिए यहाँ पे क्लाउड्स आ रहे हैं ऊपर से और ये माउंटेन आप देख रहे हो, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। अभी आगे जाने वाला हूँ और आपको दिखाने वाला हूँ वहाँ पे पानी कितना सुंदर है और वहाँ पे फिशिंग करने वाले हैं। चलो आगे चलते हैं। तो गाइस देखो, ये क्रॉस करके जाना पड़ेगा और यहाँ पे पक्का छोटी वाली मछली होगी। ये वाटरफॉल का पानी है जैसे कि आप देख ही रहे हो, ये वाटरफॉल ऊपर से आ रहा है, ठंडा पानी रहेगा क्या देखता हूँ। अरे बहुत सारी मछलियाँ, छोटी छोटी मछलियाँ बहुत सारे हैं इसमें, लेकिन ओ वाह पानी भी मस्त है। ये देखो देखो फिश घूम रही है, यहाँ से स्टार्ट करूँ क्या फिशिंग। वाह कितने सारे यहाँ पे बहुत सारे फिश है, पकड़ सकते हैं। स्नेक हेड का बच्चा दिखा मुझे यहाँ पे स्नेक हेड कैसे आया भाई, किस तरीके से जो है पानी आ रही है। हम नेट अगर लगाएंगे ना यहाँ पे तो फॉर श्योर मछली मिलेगी हमें। ट्राई करके देखते हैं कौन सी फिश है। Hey guys, तो आ चुके हैं इस अल्टीमेट लोकेशन पर और यहाँ पे मुझे खबर मिली है कि बहुत लोग यहाँ से फिशिंग करते हैं और मछलियाँ पकड़ के लेके जाते हैं और यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी फिश है। और मैं यहाँ पे आया हूँ बेसिकली मछलियाँ लेने के लिए और रेस्क्यू करने के लिए, जैसे कि हम करते हैं। मेरे पास एक नेट है जो एज यूजुअल मैं लेकर आता हूँ एंड ये बहुत बड़ा सा नेट है, तो इसी से जो है हम लोग पकड़ने वाले बड़ी मछलियों को। ये काफ़ी बड़ा है जैसे कि आप देख पा रहे हो, बहुत ही बड़ा सा नेट है ये। और यहाँ पे एक बकेट भी है और लेकर जाने वाले फिश तो मैं आपको दिखाता हूँ। इधर आना, ये देखो यहाँ पे बहुत छोटी छोटी फिश है। अब पता नहीं कौन सी मछलियाँ पकड़ने के बाद पता चलेगा, मुझे लगा डैनियोज है या फिर तो कुछ और फिश है, दिख रहा है कि नहीं पता नहीं उधर। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो पानी कितना साफ है और ये सारे फिश है जो हमें पकड़ना है गाइस। और देखना है पहले कि फिश कौन सी है, क्योंकि समझ नहीं आ रहा मुझे अभी तक कि कौन सी है। और यहाँ पे कुछ बड़े फिश भी है और एक एडवांटेज ये भी है कि पूरा जो पानी आप देख रहे हो ठंडा है, पूरा वहाँ से ऊपर से आ रहा है, वाटरफॉल से होते हुए आ रहा है। और यहाँ पे कुछ इस तरीके से बांध भी लगा के रख दिया है ताकि मतलब कि फिश यहाँ पे फंस जाए, हम अगर नेट भी लगाएंगे ना इधर तो पकड़ पाएंगे। और यहाँ से देखो पीछे का नज़ारा देखो, माउंटेन मज़ा आ रहा है। इधर से भी पानी आ रही है, देख पा रहे हो, इधर से भी पानी है, इधर से भी पानी है, पूरा नेचर के बीच में, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। तो गाइस हम लोगों ने फाइनली डिसाइड किया कि हम लोग ऊपर चढ़ेंगे और ऊपर पहले फिशिंग करेंगे, क्योंकि नीचे बहुत ज़्यादा गर्मी है और ऊपर फिश की वैरायटी भी ज़्यादा है। ठीक है, तो चलते हैं ऊपर। देख पा रहे हो आप किस तरीके का जो ये जगह है, रास्ता वगैरह आप देख पा रहे हो। वाह यहाँ से क्या पानी आ रहा है, देखो पूरा नेचुरल, तो काफ़ी बढ़िया लग रहा है गाइस, सही में बता रहा हूँ। ये देख पा रहे हो, नहाने का तो बड़ा मन कर रहा है और पूरा वाटरफॉल है ऊपर। तो आप इन्जॉय करते रहिए हमारे नेचर को एंड हम ऊपर जाके फिशिंग करेंगे, वो भी देखना। मैंने तो अपने आप को डबल प्रोटेक्शन ले लिया है क्योंकि धूप इतना ज़्यादा है और चश्मा बहुत ज़रूरी है गाइस, ये तो फिर बड़ा ही अजीब लगता है। दोस्तों इसने एकदम से पकड़ लिया, कहाँ से पकड़ा, यहाँ से लोच, शुरुआत में ही लोच। चलो इसको बाल्टी में डालते हैं। ओके, मेरे से गलती हुई कि मैं मतलब कि शू पहन के आ गया और पानी की जगह है, कुछ पता नहीं था। एनीवेज आगे चलते हैं। बाप रे, ये तो काफ़ी ख़तरनाक जगह लग रहा है अंदर जाने का। बाप रे, देख पा रहे हो लोकेशन कैसा है, यहाँ पे काफ़ी फिश है। यहाँ पे मैंने अभी भी लॉबस्टर भी देखा है, लेकिन उसको पकड़ना काफ़ी मुश्किल है क्योंकि अभी ना हम लोग को पहले ऊपर जाना है, उसके बाद ही पकड़ेंगे, वहाँ चलते हैं। तो गाइस अपन वहाँ से आए हैं और हमने यहाँ पे जो अपना लोकेशन सेट किया है, यहाँ बहुत ज़्यादा पानी है और वहाँ से फिश आ रही है। और मैंने यहाँ पे सही में लोच, फिर आई थिंक स्नेक हेड भी देखा है मैंने, वहाँ पे कॉर्नर पे सब छुप गए। अभी मैंने शू खोल लिया है, थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं
आराम कर लेते हैं, उसके बाद मैं इन पत्थरों के नीचे नीचे ढूंढने वाला हूँ, क्योंकि स्नेक हेड पक्का मिल सकता है क्योंकि वहाँ दिख रहा है मुझे। और ये वाटरफॉल के यहाँ पे हम लोग आए, देखिए कैसे पानी आ रहा है गाइस, पानी इतना साफ है और इतनी ठंडी है पानी, वाव मजा आ रहा है। अभी थक गए ना, थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं, फिर फिश पकड़ेंगे, ठीक है, फिशिंग करेंगे फिर। गाइस 10 मिनट हो गए मैं रेस्ट कर रहा था और यहाँ पे फिश आ रही है, जब से मैं ऐसे पैर यू नो पानी के अंदर रखा हूँ, ये देखो छोटे छोटे मछलियाँ हैं, अब इनको मुझे पकड़ना है। ये कौन से फिश है समझ नहीं आ रही है, कहाँ गए सब, अभी थे यहाँ पे, ये देखो गाइस, ये देखो, आई थिंक ये डेनियोज लग रहा है मेरे को, पकड़ने के बाद पता चलेगा। पकड़ता हूँ पहले तो इनको, फिर देखते हैं। एंड यहाँ पे भी है यार, इसके नीचे नीचे भी है। मैं इस नेट से पकड़ने वाला हूँ इन फिश को, फिर देखूंगा कि कौन से फिश है ये। तो गाइस अच्छा, एक मिनट रुको गाइस, क्या मिला है दिखा, ओ भाई इतना प्यारा कलर है, ये लेके जाऊँ क्या, अभी कलर बहुत सुंदर है, दिखा दिखा, पूरा उल्टा करते उसको, वाओ बे। तो गाइस इसने एक क्रैब ही पकड़ा है, मैंने छोड़ दिया वो, क्योंकि क्रैब का सेटअप बहुत लोग बोल रहे कि बनाओ बनाओ, लेकिन गाइस क्रैब का सेटअप अब तक तैयार नहीं है, तो लेकर ऑब्वियसली मर जाएंगे, इसलिए जो है क्रैब्स को हम बाद में पकड़ेंगे। और बहुत प्यारा क्रैब था आपने देखा, एकदम रेड कलर का ना, मजा आया, इसलिए मैंने छोड़ दिया उसको। गाइस मैंने एक पकड़ लिया, ये कौन सा फिश है पर देखना, अभी ये देख तो कौन सा फिश है, डेनियोज है, अच्छा अच्छा डेनियोज है, पता चल गया, ठीक है डेनियोज है, तो आई थिंक मैं डेनियोज नहीं रखने वाला, जाओ भाई डेनियोज मुझे नहीं चाहिए, बहुत है मेरे पास। भाई इधर इधर यहाँ पे मैंने एक स्नेक है जैसा कुछ देखा, ये स्टोन को निकालना, इसको स्टोन को उठा, उठा तो नहीं पाएंगे इसको, कुछ तो अंदर छुपा, ओ नो, मैंने देखा है बे, एक सही में मैंने देखा है, ये रुक रुक रुक, पानी पूरा गंदा हो रहा है, यहाँ पे एक पक्का स्नेक हेड है, अच्छा साइज का स्नेक हेड है। गाइस मैंने सही में पे स्नेक हेड, और मैंने स्नेक हेड ही देखा है यहाँ पे, जो बिल्कुल अंदर था, और हम लोग कोशिश कर रहे हैं लेकिन पकड़ नहीं पा रहे। गाइस यहाँ पे जो मैंने एक बड़ा मछली देखा है ना, वाह इसको पकड़ना पड़ेगा, कैसे पकड़े हम, ये देख देख देख, काफी डिफिकल्ट है, बाप रे बहुत बड़ा फिश है भाई, अरे भाई कैसे पकड़े, सब कॉर्नर में भाग गए। ओ यहाँ पे मैंने देखा है, यहाँ पे मैंने एक देखा है, स्नेक हेड देखा है, देख तू देख तू देख, और बड़े वाले फिश भी थे यहाँ पे, मिल रहा है भाई, यहाँ पे एक स्नेक हेड है, वो देख वो देख वो देख वो देख वो देख, वो रहा वो रहा वो रहा, ये दे मुझे दे जल्दी जल्दी, ये मैंने देखा है स्नेक हेड, रुक रुक रुक, बाप रे पानी इतना धुंधला है ना, दिख भी नहीं रहा है, मेरा पूरा मूड ऑफ हो चुका है। तीन फिश देखे हम लोगों ने, आई थिंक स्नेक हेड था क्या था वैसा ही लगा, तीनों को मिस कर दिया हम लोगों ने, सही में यार वो पकड़े, हाँ सही में मैं बोलने वाला कि पकड़े ही जा रहे, दिखा 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 कौन सा है, बाप रे बढ़िया, आई थिंक ये स्नेक हेड, दिखा दिखा दिखा, ओ वाह भाई जल्दी से रखते चल बकेट में, इसे पकड़ लिया यार यहाँ से, और यहाँ पे हम लोगों ने काफी सारे देखे हैं, मैंने आपको दिखाया है, लाइव भी दिखाया था यहाँ पे, चलो फाइनली एक पकड़े इतने टाइम के बाद, सही में मुझे बहुत खुशी हो रही है, स्नेक हेड मेरा इतना बड़ा स्नेक हेड, एक मिनट दिखा, ओ वाह लोच किधर है, ओ बढ़िया रे ये, एक मिनट रुको, ये वाटरफॉल वाला ये कौन सा कलर है, इसका पैटर्न देख सकते हैं क्या, दिखाना एक मिनट, इसका पैटर्न देखना मुझे कौन सा है, अरे नॉर्मली है वो, एक दूसरा वाला रहता है जिसका पूरा अलग सा पैटर्न रहता है, बट ये नॉर्मल सा ही है, बट ठीक है चलेगा, कुछ तो मिला है यहाँ पे, लेकिन बहुत स्नेक हेड है रे यहाँ पे, देख तो चना भर का भी रहेगा शायद, क्योंकि स्नेक हेड है तो वो रहना ही चाहिए, हम लोग ऊपर जा रहे थोड़ा सा, बड़ा वाला नेट यूज़ करने का टाइम आ चुका है, ये पूरा खुला जगह है, यहाँ पे बड़ा वाला नेट यूज़ कर सकते हम लोग, भाई देखो श्रिम्प्स, ये बड़ा वाला इसको पकड़ना, लॉबस्टर है बड़ा वाला, कैसे भाग रहा है, बाप रे कैसे पकड़ूं भाई इसको, अरे ये भाग जाएगा मुझे लग रहा है, रुको गाइस पहले पकड़ लेता हूँ, फिर दिखाता हूँ। गाइस फाइनली पकड़ लिया है, देखना कितना प्यारा है ये वाला, देख देख देख, इसे सामने से दिखाना एक बार, ओ वाव रुक इतना सामने मत ले, कूद जाएगा पूरा, व्हाइट कलर का है, लेकिन देखना बे, बाप रे
कूद रहा है पूरा। चल रख देते हैं। दोस्तों मुझे एक यहाँ पे चीज समझ में आ गई, आप शांत बैठे रहो और पूरा पानी को मतलब कि साफ होने दो, क्लीन होने दो, और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे लॉबस्टर फिश सब आ रहे हैं और बस चुपके से जाके छट्टा मारना है उन लोगों को पकड़ना, जैसे मैंने अभी किया। बस यही लॉजिक मैं अभी अपनाने वाला हूँ, बैठे रहूंगा और देखते रहूंगा। तू जा रहा है मछली पकड़ने? ये तो जा ही रहा है। उन कॉर्नर्स में काफी रहते हैं गाइस। इसके ऊपर अगर जाएंगे ना तो पूरा हमारा ये है क्या बोलते हैं वाटरफॉल, बहुत ऊपर तक है एक्चुअली। तो गाइस यहाँ पे आप देख पा रहे हो पूरा घना जंगल है, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाओ, लेके आ, लेके आ। नोच तो बहुत कॉमन है, लेके आ। बड़ा वाला मिला है? बड़ा कितना बड़ा मिलेगा? और अरे बाप रे, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। एक मिनट रुक, मैंने फन में बोल दिया था कितना बड़ा मिलेगा। अरे बढ़िया है रे, काफी अच्छा साइज कहाँ से मिला तेरे को? मैंने बोला ना कि यहाँ पे इतने वैरायटी ऑफ फिश है ना, तो मैंने एक्सपेक्ट तो किया था कि यहाँ पे मुझे लोच और श्रिम्प्स मिलेंगे और बाकी जो भी वाटरफॉल की फिश है, लेकिन हमें स्नेक हेड मिलेगा ये मैंने कभी नहीं सोचा था। और हमें स्नेक हेड एक मिल गया और बहुत सारे थे, मैंने देखा आपको दिखाया भी ना कि वो पकड़ नहीं पाए, सब छुप गए अंदर। दोस्तों ये आवाज सबसे बेस्ट फीलिंग है यार लाइफ की, एकदम शांत। और यहाँ मैं पता नहीं क्या कर रहा हूँ, ऐसे रखा था कि फिश आए यहाँ पे, एंड देखो एकदम शांत सा लग रहा है। सो रिलैक्स गाइस, नींद आ रही है बिल्कुल। ये पकड़े फिशिंग नेट से और दिखाओ वो, इनको भी काफ़ी स्नेक हेड वगैरह मिला है। नाइस यार। तो जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में ही कहा कि यहाँ पे लोग आते हैं मछलियाँ पकड़ने के लिए और लेकर जाते हैं खाने के लिए, जैसे कि आप देख पा रहे हो ये पकड़ रहे हैं फिशिंग रॉड से, लेकिन हम पकड़ रहे हैं यहाँ पर अपने लिए, मतलब कि रेस्क्यू कर रहे हैं और लेकर जा रहे हैं घर पर। एक और पकड़ रहा है। अच्छा ये तो बंगाल डैनियो लग रहा है। ओए ओए चना बार का लिख रहा है, वो देख भाई स्लोली उसके अंदर भीतर देख। अरे बेटा मास्खन दिया उसके बीच में से देख, पूरा मेरे को खुद यहाँ से दिख रहा है भाई। हाँ इन पत्थरों के बीच में, हाँ वहाँ पे हाथ डाल के देख। क्या मेरा हाथ में लगा है ऐसा है, देख इधर, तू भी आना, रुक जल्दी आना। क्या करना है मेरे को? इधर इधर इधर, ठीक है मैं वीडियो ऑफ करता हूँ। रुक रुक, अबे देख वाह, यही बोला था ना पकड़ के ही रहेगा, कूदना चाहिए। देख तूने इसको हर्ट भी किया क्या? हाँ इधर लगाया था थोड़ा सा, क्योंकि सब खतरनाक। अभी चना बड़का ही है ना, देखना देखना वही मैंने देखा था दूर से। ओ वाओ बड़ा तो गिर जाएगा। वाओ वे ओ गाइस, मतलब क्या खुशी हो रही है यार चना। अच्छा आपको पहले मैं ना बकेट में दिखाता हूँ मेरे को क्या क्या फिश मिला है। एक मिनट गाइस, अब तक हम लोग को, ओ वाओ भाई साइज देखना इनका। आई थिंक अभी समझ नहीं आ रहा है दोनों चना बड़का क्या है, कौन सा फिश है। अच्छा ये तो स्नेक हेड लग रहा है, देख इसका पूरा। एक मिनट, ये पूरा स्नेक हेड है, ये है चना बर्क, आई थिंक जो भी है चना कछुआ है जो भी है। वाओ इसका फिन देख बे, ओ माय गॉड, एक्वेरियम में डालेंगे तो मजा आ जाएगा भाई। और यहाँ पे लोच, हमें दो लोच मिला था ना, कहाँ एक और, हाँ इधर है, और एक श्रिम्प। ग्रेट बे, मस्त कलेक्शन मिला है भी है गाइस, इतना अनएक्सपेक्टेड फिश मिला है। वाओ मेरे को तो वाले फिश चाहिए जो वो पकड़ रहा था ना, वो भैया आपने देखा वो फिशिंग नेट से, वो फिशिंग रॉड से जो छोटे वाले, आई थिंक बंगाल डैनियोस, वो नहीं मिल रहा यार, वो काफ़ी फास्ट मूविंग है ना। देखते हैं ट्राई करते हैं, देखो कितने दूर गया है। वो बोल रहा है कि व्हाइट कलर का एक उसको क्रैब मिला है, बिल्कुल व्हाइट। लेट्स सी, बिल्कुल व्हाइट क्रैब दिखाओ। वाह यार ये पूरा फुल व्हाइट है, इसके पहले हमने रेड पकड़ा था, ये पूरा फुल व्हाइट क्रैब भाई। मुझे लगता है ये पूरा ये है क्या बोलते हैं, आई थिंक ये जो पहाड़ी मछली रहती है ना वो वाली है। देख बापरे कैसा है यार ये, क्या करेंगे लेंगे इसको, बड़ा होगा शायद। दिखा छोटा सा, कितना प्यारा क्रैब है यार, कैसे देख रहा है। दोस्तों मुझे एक चीज़ दिखाना था, यहाँ पे पत्थर के कलेक्शन देखो, ज़बरदस्त पत्थर कलेक्शन है। प्लांट्स तो वैसे है ही, वो तो छोड़ दो, पत्थर कलेक्शन देखो। मैंने जैसे कि उठाया ये सब ऐसा लगता है खरीदने को मिलता है ना, वैसा टाइप का है। और यहाँ पे पत्थर कलेक्शन आप देख पा रहे हो, ड्रिफ्ट वुड वगैरह आपको बहुत कुछ मिलेगा। मैं तो आज नहीं लेने वाला, देखो सब प्रिपेयर्ड ड्रिफ्ट वुड है यहाँ पे, मतलब सब बना हुआ है यहाँ पे, आपको बस जाकर यूज़ करना और कुछ नहीं। पत्थर तो यार काफ़ी कलेक्शन है यहाँ पे। दोस्तों मैंने वीडियो नहीं किया लेकिन इसको एक और मिल गया, लिखा 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 वीडियो के चक्कर में ना हम लोग मिस कर रहे थे फिश। देखा ओ वाव, ये देखना क्या क्या इसका पैटर्न बढ़िया है भाई, इसका पैटर्न बढ़िया है। ये आई थिंक स्नेक हेड है, देखना कूदना चाहे, बढ़िया भाई। यहाँ से एक और मिल गया हम लोग को, तीन मिल गया रे। तो कितने हुए यहाँ पे, एक दो तीन, ये देख सेम साइज के, मुझे लग रहा है कि ये सब सेम प्राइस रहेंगे और यहाँ पे सबके साइज सेम है। यहाँ पे एक दो तीन चार पाँच छः फिश मिला मेरे को टोटल, बढ़िया भाई। पकड़ तो मैंने भी लिया है, मैंने देखा यहाँ पे, ये देख 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 आ गया, ये सब क्या क्या है,
इसको इसको ले तो इसको ले, निकल जाएगा देखना। मर गई क्या ये पत्थरों के बीच में, एक बार देखना ये। ओ नो, मैंने बहुत ऐसे निकाला है, देखते हो बची है कि नहीं। उठा ना हाथ से, उठा डाल तो इसको। गाइस नेटिव मेरा टेढ़ा हो गया देखो करते करते, देखते हैं ठीक है। हटते हैं हाथ ना, थैंक गॉड यार। चल मुझे लगा बहुत हर्ट हुआ उसको, सेम साइज का है, कभी फिर जमको मेरे ना सब सेम सेम है देख। लेकिन गाइस इसका पैटर्न देखो ना यहाँ पे, पूरा बहुत ज़बरदस्त है। ओ ये दोनों तो स्नेकर है ना, इसीलिए ये चना पार का है। एक ही मिला यार, और मिलता तो मजा आ जाता। मैंने भी देखा, मैंने भी देखा, ये देख देख देख, पकड़ पकड़ इसको पकड़। ओ वाह बढ़िया बढ़िया, दे दिखा। अरे वो फिश गया गाइस मेरे हाथ से निकला, और छोड़ दे रहने दे, सब मेरी गलती है, रहने दो। तो गाइस हमने हाथ से खूब सारे पकड़े फिश, और अभी मतलब खूब सारे मतलब इसने पकड़ा है, और आप लोगों को अगर नहीं पता है तो ये अभिजीत है और काफ़ी एक्सपर्ट है इन सब फिश को पकड़ने के लिए, मतलब कि जो स्नेक हेड वगैरह होता है। तो इसने मुझे बुलाया यहाँ पे कि तुम यहाँ पे आओ और फिश पकड़ो, मतलब मैं नहीं पकड़ा था टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये पकड़ रहा है, क्योंकि ये स्नेक हेड वगैरह को पकड़ने के लिए भी आपको फिर वीडियो कैसे होगा ना, इसलिए। एनीवे ऐसे काम करते हैं, नेट यूज़ करते बड़ा वाला, चल उससे शायद हम लोग को बंगाल एनीवे मिल सकता है, लेके आते चल नेट यूज़ करता हूँ गाइस फिर देखते हैं। तो गाइस हम लोगों ने कुछ बढ़िया बढ़िया फिश पकड़े हैं यहाँ से, आपने देखा जो अनएक्सपेक्टेड था, और मैंने सच में मतलब मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। बड़ा वाला जो नेट है उसको मैं लेके जा रहा हूँ आगे, जहाँ पे हम लोग छोड़ के आए लोकेशन, वहाँ पे जाके एक बार वो नेट को हम बिछाएंगे और देखेंगे वहाँ पे कुछ फिश मिलता है या नहीं। तो चलो आगे चलते हैं, जाते एक ड्रिफ्ट रोड भी मिल गया, अच्छा है पर थोड़ा सा वेट है इसमें, क्या करें लेके जाएं, ले लेते हैं। हम लोग वहाँ आगे गए थे और देखो यहाँ से उतरते हुए जा रहा है, यहाँ पे फिशिंग करोगे तो मछली मिल जाएगी, पक्का मिल जाएगी। तो दोस्तों आ चुके वो पहले वाले लोकेशन, जब पहले फर्स्ट फर्स्ट आए थे ना, अभी यहाँ से गए ऊपर, तो यहाँ पे अभी हम लोग नेट लगाने वाले हैं और देखते हैं यहाँ पे कुछ फिश मिलता है कि नहीं। तो यहाँ पे पानी आप देख पा रहे हो, कहाँ लगाएंगे, यहाँ लगाएं, ये बेस्ट जगह लग रहा है, क्योंकि लेकिन यहाँ से मछली नहीं जा पाएगी ना देख, हाँ यहाँ से मछली नहीं जा पाएगी। फिर यहाँ पे हम लोग इस जगह पे लगाते हैं नेट को, यहाँ लगा के फिर उधर से फिश भगाएंगे, तो देखते हैं। गाइस यहाँ पे हमने ये नेट इस तरीके से लगा दिया है छोटे वाले जगह पे। ओह कितने बड़े बड़े यहाँ पे फिश है, देखो 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 सब भाग रहा है, मुझे नहीं पता कि यहाँ जाएंगे कि नहीं। हाँ गया 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 था, अरे निकल गया, चाके निकल रहा है वो। लेकिन गाइस अगर आप लोकेशन देखें, यहाँ पे हमने इस तरीके से लगाया हुआ है, और देखो पहाड़, एंड देन यहाँ से इस तरीके से बहती हुई आ रही है, तो नदी बिल्कुल भी नहीं है, और इधर से भी बहती हुई आ रही है, ठीक है। यहाँ पे भरपूर पानी है, यहाँ पे पकड़ सकते हैं, लोकेशन आप देख पा रहे हो ना, अल्टीमेट लोकेशन है गाइस। जो भी है गाइस छोटे वाले हमें डैनियोज मिल रहा है, तो वो नीचे, वो सब निकाल दो डैनियोज, एक भी नीचे डैनियोज है, लेकिन बाकी फिश हमें अभी मिल नहीं रहा है। दोपहर का वक्त भी है, अभी निकल रहे हम लोग जा रहे हैं, पर हमें काफ़ी अच्छे फिश मिले, इसको निकाल लेते हैं। और आपने देखा भी है हम लोग को काफ़ी बढ़िया बढ़िया फिश मिले, देखो वाओ। इनको तो वाटर पंप की जरूरत नहीं है, इट्स फाइन। तो गाइस फाइनली हो चुका है, निकल रहा है, अभी बहुत ज़्यादा धूप आ चुकी है देख पा रहे हो, और अभी 1:30 बज रहा है, अभी जाके लंच वंच करेंगे। और देखो यहाँ पे लोग आ चुके हैं फिश पकड़ने के लिए बहुत ज़्यादा, तो लोकेशन काफ़ी बढ़िया था, आपको पता ना आप लोगों को कैसा लगा। और ये फिश को मैं लेके जाऊँगा घर, ठीक है, और फिर मैं आप लोग को घर से बाद में दिखाऊंगा। तो आज का ये वीडियो आपको फुल आपको अच्छा लगा, तो कुछ नए वीडियो से जल्द आपको बताऊँ, तक के लिए बाय, टेक केयर।